Hey guys, what is up? Yeah, this is Rukesh from Tripura. Guys, मैं आप लोगों के फिर से आ गया YouTube और दूसरे सोशल मीडिया के साइट से अमेजिंग न्यूज़। तो आप लोग करना है वीडियो को एंड तक देखना। इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। बेसिकली आज का जो फर्स्ट न्यूज होता है वो बेसिकली रोनी की तरफ से। रोनी यार अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करें डोनेशन को लेकर। आप लोग यार इधर उधर डोनेशन मत करो, आप लोग के आसपास क्या हो रहा है उसके ऊपर ही करो, मतलब उसको जाके करो जिसके यार अभी नीड है। तो यार देख सकते हो एग्जैक्टली रोनी ने क्या कहा। चल रहा है ये कोरोना को लेके, इसने हम सभी को इफेक्ट किया है, कुछ लोगों को कम, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा। और मैं तुम सभी से इतना बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि आप डोनेशंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फंड्स या चैरिटी में दो, आप सबसे पहले अपने आसपास देखो, आपके फैमिली की तरफ, रिलेटिव्स की तरफ देखो, दोस्तों की तरफ देखो, आपके आसपास जो काम करते हैं उन लोग की तरफ देखो। अगर उन लोग को किसी भी तरह से हेल्प की ज़रूरत है, बीट फाइनेंशियल बीट एनीथिंग एल्स, आप पहले उन लोग की हेल्प करो। क्योंकि कैसा है ना, बहुत सारे डोनेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटी शायद उन तक ना पहुंच पाए, पर आप उन तक पहुंच सकते हो। सो जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। तीन जो स्टोरी है वो तो इसलिए क्रिकेट इंसान की तरफ से। आप लोग पता है मैंने कल की वीडियो में बताया था कि क्रिकेट इंसान ने चैरिटी स्ट्रीम किया था, तो उधर ही वो लाइव उस पैसे का डायरेक्टली डोनेट करना चाहते थे, तो इसके बाद उसके साथ कुछ पंगा हो गया। देन मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। क्यों मतलब ये सब हुआ है, क्या हुआ है आप लोग देख ही सकते हो। मैं उसका एक छोटा सा पार्ट प्ले कर देता हूँ। charity.org ऑल राइट, तो होपफुली एवरीथिंग गोज वेल। प्रोसेसिंग हो रही है, अमाउंट 1 लाख, वेटिंग फॉर पेमेंट। भाई प्लीज भाई, योर कॉन्फर्मेशन, लेट्स गो, नाइस डे। ओह ओह नहीं, एक गलती हो गई। मैं बोल रहा था ना कुछ गलती हो सकती है, हो गई। क्या हुआ? आ गया भाई, पहला कॉल आना शुरू हो गया भाई, मैंने बोला था। ओ भाई कोई नहीं भाई, मैं अभी प्लीज यार एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे के डोंट प्लीज, अभी के लिए एटलीस्ट डोंट। थोड़ी सी शर्म कर लो यार, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? दिख गया फोन नंबर, बट स्टॉप कॉलिंग मी, कॉल मी आफ्टर द स्ट्रीम, स्टॉप कॉलिंग मी। थोड़ी सी शर्म कर लो, मेरे को अभी और पेमेंट करनी है वहां पे। ठीक है भाई, दिख गया नंबर। सैडली दिक्कत यह है ना कि एक बारी में भी नहीं कर सकते पूरी, यहाँ पे लिमिट है कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते भाई। प्लीज यार प्लीज मत करो भाई। तुझे पता है लोग मेरे उससे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पता नहीं क्या क्या साइनिंग करते रहते नंबर से। यार कम ऑन मैन, रुक जाओ ना यार, पहले ये काम कर लेने दो ना जो इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूं, एक बार कर लेने दो भाई। सीरियसली तू यू नो वर्स्ट पार्ट इज के अब इस वजह से जो मेरे बैंक से भी कंफर्मेशन कॉल आ रही होगी ना वो भी नहीं मैं कर पाऊंगा। आई एम गोइंग टू ब्रेक माय सिम स्ट्रीम के बाद। 2 लाख रुपीज सेंट है। हाँ अब क्या फर्क पड़ता है, ये लो भाई ये लो, ये 1 लाख की एक और चली गई है, ये रहा मेरा नंबर, बट यू कैन बी श्योर ऑफ इट दिस नंबर विल गेट डीएक्टिवेटेड स्ट्रीम के बाद, वॉट एवर। भाई अब मेरे को ओटीपी का भी मैसेज नहीं दिख रहा, इतने मैसेज आ रहे हैं मेरे को। प्लीज इस वक्त मैं अपने बैंक का ओटीपी नहीं देख सकता इस पेमेंट के लिए। हाय स्पैम किए जा रहे हैं लोग। दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट टू जनरेट, योर सेशन एक्सपायर्ड। आई गॉड यार छोड़ो। सो 2 लाख की मैंने कर दी है, 8,58,000 मेरे को करने थे, बाकी 6,58,000 जो है वो मैं इसके बाद ऑफ स्ट्रीम कर दूंगा, उसके मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा। तीन जो स्टूडियो था वो तो इसी लक्ष्य की तरफ से। लक्ष्य यार बेसिकली अब अपनी इंस्टा पे स्टोरी अपडेट किया था, बेसिकली उन यूट्यूबर के बच्चों या चैरिटी के नाम पे स्ट्रीम कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर, खुद से कुछ नहीं दे रहा है लेकिन पब्लिक से लेके दे रहा है। तो इसके पर ही देख सकते हो लक्ष्य ने एग्जैक्टली क्या कहा। किसी और को दे रहे हो ना पैसा, वो पैसा तुम्हारे भी काम, तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है उस पैसे की, अपने ही पैसे की, और तब तुम्हारे पास होगा नहीं, ठीक है? तो क्योंकि चीजें ब्लैक में बिक रही हैं, चीजें स्टॉक कर चुके लोग, तो यार अपने पास ही रख लो अपना पैसा। फॉलो करना हो किसी को कर देना, लेकिन जो है चैरिटी स्ट्रीम हो या डोनेशन वोनेशन की चूतियापंती कर रहे हैं ना जितने भी यूट्यूबर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स, या तो भाई तुम चूतिए हो या तुम जनता का चूतिया बना रहे हो, ठीक है? जितना डोनेशन हो सके उतना करना, हम लाइव स्ट्रीम करें। अरे भोसड़ी के उनका पैसा उनके काम आने दे, क्यों ये फ्री सेवा के लिए क्यों लूट रहे हो लोगों को? किसी को नहीं चाहिए फ्री सेवा। मार्केट में चीजें खत्म हो गई, 3-3, 4-4 गुने रेट पे बिक रही हैं, ठीक, कहाँ फिरेंगे? फ्री सेवा वाले नहीं फोन उठाते यार। अगर एक एक यूट्यूबर ना जितने करते हैं चैरिटी स्ट्रीम या जितने लोग बोलते हैं अपनी स्टोरी में टैग करके, अगर ऐसे टाइम पे अपने एक एक स्पॉन्सरशिप का भी पैसा दे देंगे ना, करोड़ों बैठ जाएंगे।
लेकिन इनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता। चूतिया बनाते हैं कि चैरिटी स्ट्रीम करेंगे, तुम लोग देना, तुम्हारी सेवा के लिए तुमसे पैसे मांग रहे हैं। भाई कॉमन सेंस कहाँ कहाँ चला गया भाई। तेन जो स्टोरी था इसलिए मिटपेट की तरफ से, मिटपेट आप लोग पता है मिटपेट ने जो स्ट्रीम किया था चैरिटी स्ट्रीम, तो इसके बाद बहुत सारे लोग उसको फ्रॉड फेक ये सब बोल रहे थे। तो इसके बारे मिटपेट ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला जिसे आप लोग देख सकते हो। माइट हैव एन अमेजिंग अपडेट ऑन द डोनेशन फ्यू मोर डेज एंड वी विल अनाउंस एवरीथिंग। तो या देखते हैं कब कुछ अनाउंस करते हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहते हो तो सिंपल सा मेरा कॉमेंट बॉक्स ओपन रहता है, उधर जाकर बता सकते हो। तेन जो स्टोरी था वो था इसलिए सौरभ जोशी ब्लॉग्स की तरफ से। तो सौरभ भैया बेसिकली अपने सब्सक्राइबर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। अभी क्यों हुआ वो अपने रिसेंटली ब्लॉग में इसके ऊपर शेयर किया एक छोटा सा पार्ट, तो वो पार्ट आप लोग देख सकते हो। ना कर रखा है कि अभी इतना कोरोना फैल रहा है कि मत आया करो, तो रिक्वेस्ट कर रहे अब तो जाना ही पड़ेगा ना। देखो भाई जो ये टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे हमने सब्सक्राइबर से मिलना बिल्कुल बंद कर रखा है, जो भी लोग बाहर से मिलने आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है, कोरोना इतना बढ़ रहा है, इसीलिए हम किसी को अंदर भी नहीं बुला रहे। यूजली आपने देखा होगा ब्लॉग में मिलने आते तो हम अंदर बुलाते, स्टूडियो भी दिखाता था मैं, बट अभी सिचुएशन बिल्कुल खराब है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था कि प्लीज अभी मिलने मत आओ, घर में रहो, सेफ रहो। एन गेस का जो लास्ट में होता है वो तो इसलिए मोर्टल और केर के बीच में कल की वीडियो में बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि इन दोनों के बीच में एक छोटा मोटा पंगा हो चुका है, मतलब होके रखा है। तो इसके ऊपर एक अभी मैं आप लोग एक क्लिप प्ले करने वाला हूँ, देन आप लोग सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप लोग पता नहीं तो मेरा कल का वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, मतलब क्या हुआ था अभी, कैसे ये सब सॉर्ट आउट हुआ, तो ये देख सकते हो। जिसका रिप्लाई वगैरह नहीं देते, एज अ बिग फैन ऑफ यू एंड कैरी वी वांट टू सी यू प्ले टुगेदर ब्लो, प्लीज वन अमंग अस स्ट्रीम प्लीज। यो यूसुफ अली थैंक यू सो मच। मेरी कैरी से बात हुई इसके बारे में, कैरी के पास मेरा न्यू नंबर नहीं था अनफॉर्चुनेटली, एंड वो मेरे ओल्ड नंबर पे जो स्विच ऑफ रहता है फुल टाइम उस पे मैसेज किया था उसने, और वो वाला नंबर मेरा गूगल पे वाला नंबर है क्योंकि तब मैं यही वाला नंबर यूज करता था। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक बार कैरी को कॉल किया था मेरे न्यू नंबर से, बट तभी कैसा हुआ कि उसको मैं ये नहीं बोला कि ये मेरा न्यू नंबर है या कुछ, मैंने कॉल किया था बहुत पहले एंड वी जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन। फिर उसके बाद फिर मैंने उसको ये मैसेज से नंबर से जब वापस मैसेज किया तब उसने बोला ओ मेरे को नहीं पता था ये तेरा न्यू नंबर है, ऐसा ऐसा करके, तो एवरीथिंग क्लियर, बात हो गई उससे, खेलेंगे। तो इस बेसिकली इतने तक इस न्यूज़ वीडियो में, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ भी कहना चाहते हो तो सिंपल सर कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, उधर जाकर बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तो क्लब जय हिंद, बने मतलब फूम गाइस।